हमारे प्लेनेट अर्थ पर एक ही सबसे ज्यादा गहरी जगह है, वो है मरियाना ट्रेंच। क्या यहाँ कोई जीव अस्तित्व में है, मतलब कि कोई लिविंग क्रिएचर यहाँ रहता है? यदि रहता है तो उसका बनावट कैसा है, वो कितने अजीब हैं? क्या इन जीवों के पास नेचुरल पावर है, यदि है तो कैसे? चलिए जानते हैं इस सीक्रेट प्लेस के बारे में। दिस इज साइंटिफिक प्रूव्ड और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हमारे प्लेनेट पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह है मरीना ट्रेंच। आपने इसके बारे में पहले सुना होगा। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है और मरीना ट्रेंच सबसे गहरा जगह है हमारे ग्रह पृथ्वी पर। और इसके बाद आप पढ़ते होंगे कि लगभग सभी लोगों की इस जगह पर एजुकेशन खत्म हो जाती है। ये गहरी जगह मरियाना आइसलैंड के नजदीक पश्चिमी पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। मरियाना ट्रेंच बी आकार का है और इसकी गहराई लगभग 1100 मीटर है, जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट भी डूब जाए तो पता नहीं चलेगा। पहले ये माना जाता था कि यहाँ कोई लिविंग क्रिएचर यानी जीवित प्राणी का उत्पन्न होना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई में बहुत ही ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ कोई लिविंग क्रिएचर रहता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। सन 1958 वैज्ञानिकों ने 7000 मीटर की गहराइयों में जीवित प्राणी को खोजा। वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ कम से कम जीव नहीं रहते, बल्कि बहुत ज्यादा स्पेसिस मौजूद हैं, जो कि अनआइडेंटिफाइड थे। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि समय इनको कम इफेक्ट करता है, मतलब कि इन जीवों का लाइफ स्पैन ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि बैक्टीरिया के साथ साथ यहाँ इन्वर्टिव ब्रीड्स भी रहते हैं, जो कि अनआइडेंटिफाइड हैं। इन्वर्टिव ब्रीड का मतलब है कि एक जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। सन 1960 जैक पिकार्ड्स, जो एक स्विस रिसर्चर थे, उन्होंने सबसे पहले समुद्र की गहराई में मरीना ट्रेंच में अपने दोस्त के साथ उन जीवों को ढूंढने गए थे, वो भी 1100 मीटर नीचे। उन्होंने अंदर जाने के लिए एक खास प्रकार का वाहन का प्रयोग किया, बाथ स्केप ट्रस्टी। उन्होंने इस वाहन की मदद से 1100 मीटर नीचे समुद्री तल को छुआ, जिसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं। ये दोनों रिसर्चर 20 मिनट से ज्यादा समुद्री तल पर नहीं रुके, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक होता है। जब वे समुद्री तल पर उतरे तो उन्होंने देखा एक ऐसा जीव जो आज तक देखा नहीं गया था। ये जीव दिखने में बहुत ही भयानक है। उस समय उस वाहन पर 1100 एटमॉस्फेरिक बल लग रहा था। फोर्स में लोहा भी बेंड हो जाए, लेकिन वहाँ जो मछलियाँ रहती थीं, उनपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका अडॉप्शन हो चुका था इस माहौल के हिसाब से। कुछ सालों बाद वहाँ रिसर्चर्स दोबारा गए। उन्होंने पाया यहाँ कोई जीव है जो चमक रहा था। वह जीव डिस्क के आकार का था, जो कि कुछ जीवों के समूह से मिलकर बना था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वह जीव कुछ समय दिखता और फिर गायब हो जाता था। वह कौन सा जीव था और कैसे अचानक से गायब हो जाता था, वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए, क्योंकि हम अभी तक नेचर को अच्छी तरीके से नहीं जान पाए हैं। हम अभी तक अंडर वाटर सिविलाइजेशन के बारे में कुछ खास नहीं जान पाए हैं। सन 1985 अमेरिकन शिप ग्लोमर चैलेंजर सावधानी पूर्वक मरीना ट्रेंच के भीतरी तट का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने 9 मीटर लंबी डिवाइस को पानी के अंदर डाला। कुछ देर बाद उस डिवाइस में से अजीब तरह की आवाज आने लगी। जिस तार के द्वारा हैडी हॉर्न नाम का डिवाइस बांधा हुआ था, वो अचानक स्ट्रेच होने लगा, और इतना स्ट्रेच होने लगा कि वो टूट ही जाता, लेकिन उस डिवाइस को पहले ही ऊपर खींच लिया गया। कुछ घंटों के मेहनत के बाद ये पता चला कि समुद्र के अंदर एक ऐसा जीव मौजूद है जिनके दांत बहुत ही बड़े थे, जो कि इन जीवों को हम अंडरवाटर मॉन्स्टर भी कहते हैं। इस घटना को अभी तक कोई समझ नहीं पाया था, लेकिन कुछ सालों बाद बायोलॉजिस्ट ने इस घटना को एक सिस्टमेटिक रूप से आंसर दिया। उन्होंने बताया कि यह घटना मेगालोडॉन नामक जीव द्वारा किया गया है। यह एक शार्क का स्पेसिस है। मेगालोडॉन का लेंथ लगभग 20 मीटर होती है और ये लगभग 50 टन भारी होता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, मेगालोडॉन की स्पेसिस हजारों साल पहले खत्म हो चुकी थी। बहुत से वैज्ञानिक का कहना है कि
मेगालोडॉन अभी भी मरियाना ट्रेंच में ही हो सकते हैं। मरियाना ट्रेंच में खोज चल ही रही थी कि तभी उन्होंने 11 किलोमीटर गहराई में एक अनआइडेंटिफाइड जेलीफिश को देखा। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब था। वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये शायद एलियंस स्पेसिस है, क्योंकि जेलीफिश के शरीर के अंदर एक सिक्वेंस में रेड कलर की लाइट दिख रही थी। इस जेलीफिश के चारों ओर टेंटिकल्स मौजूद थे, जिससे यह पता चलता है कि यह जेलीफिश किसी का शिकार करता है। इस इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चला कि हम फ्यूचर में ऐसे जीव से मिल सकते हैं जिसकी मदद से हम सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।